लोकसभा निर्वाचन 2024 में मतदान संपन्न कराने वाले दलों का द्वितीय रेंडमाइजेशन कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनुराग वर्मा तथा निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक डॉक्टर एस सुरेश कुमार की उपस्थिति में एनआईसी कक्ष में किया गया। रीवा जिले में लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए मतदान दलों तथा माइक्रो ऑब्जर्वर का द्वितीय रेंडमाइजेशन भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट के एनआईसी में किया गया। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री भव्या मित्तल ने लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए नियुक्त किए गए समस्त नोडल एवं सहायक नोडल अधिकारियों की बैठक लेकर जरूरी निर्देश दिए। बड़वानी जिले में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर राहुल फटिंग ने राजस्व अधिकारियों की बैठक में लोकसभा निर्वाचन 2024 से संबंधित प्रावधानों की जानकारी दी। कलेक्टर श्री बुद्धेश कुमार वैद्य ने विदिशा के ऑडिटोरियम भवन में आयोजित सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं सेक्टर पुलिस अधिकारियों की संयुक्त कार्यशाला को संबोधित किया। मंदसौर में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दिलीप कुमार यादव ने लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत मंदसौर संसदीय क्षेत्र क्रमांक 23 के संबंध में अधिकारियों की समन्वय बैठक ली एवं जरूरी निर्देश दिए। लोकसभा निर्वाचन 2024 के मद्देनजर उप जिला निर्वाचन अधिकारी अश्विनी रावत ने डाक मतपत्रों के संबंध में पोस्ट ऑफिस के अधिकारियों नोडल अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। भोपाल में मतदाता जागरूकता का संदेश देने के लिए राइट फॉर वोट साइकिल रैली आयोजित की गई, जिसके माध्यम से नागरिकों से निष्पक्ष और भयमुक्त होकर वोट देने की अपील की गई। रैली को सीईओ जिला पंचायत श्री ऋतुराज जी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।